आज हम अपनी जो नॉर्मल स्त्री होती है, ड्रेस होती है, इसके बारे में देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, किस एलिमेंट को किस प्रकार से जांच करें, ठीक है। और इसके अंदर नॉर्मली हम इसको ओपन करते हैं, ये मेरे पास मेड इन इंडिया की एक ड्रेस है स्त्री, और ये 230 SC सप्लाई पर कार्य कर रही है, ठीक है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं या लीड बुक कैसे, यानी पूरा प्रैक्टिकल करेंगे इसके अंदर लीड बुक किस प्रकार से जांच के लिए हो रहा है। तो पहले हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अब कैप हटाने के बाद में यहाँ से अपने लीड वायर को भी एक बार, एक यहाँ और दो यहाँ पे, तो इन पेचों को खोने से पहले हम यहाँ से इस स्विच को हटाते हैं। उठा लेते हैं, तो कैप हमने उठा ली है। इसके अंदर है, एक तो है दोनों अपने टर्मिनल है लाइन धारा का, ठीक है, और ये है अपना थर्मोस्टेट, ठीक है। थर्मोस्टेट का वैसे कार्य क्या होता है कि अपनी कोई भी स्त्री है तो हम जिस टेम्परेचर पर उसको सेट करते हैं, तो उस टेम्परेचर के अलावा जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो क्या कर देता है, कट ऑफ यानी फटक कर देता है, ठीक है, सर्किट को। तो इसके बारे में ये आगे जाके एक वीडियो डाल देंगे थर्मोस्टेट का भी अलग से, ठीक है। तो इसके अंदर आज हम फुल प्रैक्टिकल करेंगे, पहले हम यहाँ से हटाते हैं इसको। दोस्तों काम करते समय सावधानी से करें, हमने पृथक कर ली है। अब इसके अंदर क्या है, एक तो अपना ये हीटिंग एलिमेंट है, दूसरा अपना थर्मोस्टेट, जो ये थर्मोस्टेट है, ये थर्मोस्टेट हीटिंग एलिमेंट के किस क्रम में लगा होता है, श्रेणी क्रम में लगा होता है। हीटिंग एलिमेंट अपने हीटिंग एलिमेंट के श्रेणी क्रम क्या लगा होता है, थर्मोस्टेट, और अपनी जो इंडिकेटर लैंप है ये समानांतर में लगा होता है, ठीक है। अब इसको कैसे जांच करें, सबसे पहले हमें कोई भी स्त्री हो कार्य नहीं कर रही है तो उसको जांच करने का जो तरीका होगा, तो सबसे पहले जांच करने का जो तरीका होता है तो हम करते हैं अपनी हीटिंग एलिमेंट को, ठीक है। अभी हीटिंग एलिमेंट को जैसे या तो स्विच बोर्ड ले लो, ठीक है, हम करेंगे स्विच बोर्ड के द्वारा। अब ये स्विच बोर्ड कैसे बनाते हैं, ये वीडियो पहले से डाला हुआ है, ठीक है, आप लोग स्विच बोर्ड आसानी से घर पर भी तैयार कर सकते हो। तो हीटिंग एलिमेंट को चेक करने का तरीका होता है कि अपनी दोनों जो सिरे हैं सीरीज के, वो हीटिंग एलिमेंट के दोनों सिरों पे रखते हैं, और जब अपना बल्ब प्रकाशित होता है तो अपना हीटिंग एलिमेंट क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो एक सिरा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तो अपना हीटिंग एलिमेंट यानी अपना बल्ब प्रकाशित हो रहा है, इस अवस्था में अपना हीटिंग एलिमेंट क्या है, सही है। अब इसी प्रकार से हम कर सकते हैं अपने थर्मोस्टेट को भी चेक कर सकते हैं। थर्मोस्टेट अपना श्रेणी में लगा होता है, तो हम एक जैसे कि यहाँ पे एक सिरे पे और दूसरा इस पे हम स्थापित करेंगे, तो जैसे कि ये कट ऑफ
नहीं कर पा रहा, ठीक है। अभी कट ऑफ है, ऑन नहीं कर रहा, ऑन करके देखते हैं। तो सेफ्टी से इसको नोज फ्लायर लेते हैं और नोज फ्लायर से इसको घुमा लेते हैं। चेक करते हैं अभी कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यानी इस अवस्था में जब ये वर्क कर रहा है, धारा आगे की ओर बढ़ रही है, तो इस अवस्था में अपना थर्मोस्टेट कार्य कर रहा है। अपना थर्मोस्टेट यहाँ पे धारा नहीं आ रही, वो नहीं कर रहा, ठीक है। कई बार क्या हो जाता है कि थर्मोस्टेट के अंदर कार्य तो करता हो, पर अपनी जो लाइन है उसको उष्मा पे, जैसे कि हम जितने वोल्टेज पे उसको, जितने पावर पे हम उसको स्थापित करते हैं, उस पर कट ऑफ नहीं कर पाता। इस कारण क्या होता है कि उसके अंदर जो इस अवस्था में इसको क्या करना पड़ता है, हमें चेंज करना पड़ता है, थर्मोस्टेट को चेंज करना पड़ता है। ये मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है, आसानी से मिल जाता है। और इंडिकेटर है ये अपना समानांतर में लगता है, तो हम सीरीज टेस्ट लैंप से इसको चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपनी जो लीड होती है, मेन लीड, कई बार क्या हो जाता है कि अपनी मेन लीड क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो मेन लीड को चेक करने का तरीका ये होता है कि दो सिरे इधर है और तीन इधर, ठीक है, तीन, ये अर्थिंग का ये अठाया हुआ है, तो दो सिरे इधर। तो हम एक सिरे पे यहाँ पे रखेंगे और वन बाय वन इसमें चेक करेंगे, जिसमें ये प्रकाशित हो रहा है, यानी इसमें सर्किट बन रहा है, तो ठीक है। नेक्स्ट को इसी प्रकार से चेक करते हैं, तो इस प्रकार से अपनी ये लीड सही है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें बताया कि अपनी हीटिंग एलिमेंट को और थर्मोस्टेट को दोनों को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। अपना थर्मोस्टेट में कुछ कमी है तो हम इसको क्या करते हैं, पता कर देते हैं, हटा देते हैं। अपना थर्मोस्टेट ये हीटिंग एलिमेंट के किस क्रम में लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है, और इंडिकेटर लैंप ये समानांतर क्रम में लगता है। ओके दोस्तों।